नमस्कार, मैं नाजिया फारूकी। ललित समाचार में आपका स्वागत है। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने बताया कि पिंजौर ब्लॉक के गांव डखरोक से आ रही हरियाणा रोडवेज की मिनी बस असंतुलित होकर पलट गई। इसमें लगभग 50 से अधिक यात्री सवार थे। ये हादसा ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ। ये बस ओवरलोड थी, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। घायल बच्चों को पिंजौर PHC सेंटर लाया गया और कुछ बच्चों को सेक्टर 6 गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्बुलेंस से भिजवाया गया। बच्चों के चोटें लगी हैं। एक महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिसे PGI रेफर कर दिया गया। दुख की घड़ी में तत्काल मौके पर प्रशासन भी पहुंचा। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट मंत्री असीम गोयल ने तत्काल एक्शन लेते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। आज सुबह ही हमारे पिंजौर में एक बहुत ही हादसा होते होते टला, और मैं इस बात की अपनी देवी की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस बात का, माँ कालका का भी, सब देवी देवी का होता कृपा से। आज सुबह एक बस जो कि ठगरों और गोई से जा रही थी, और उसमें स्कूल के बच्चे थे, और ज़्यादातर उसमें सभी बच्चियाँ थी, लड़कियाँ थी, और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से वहाँ पर जो ये एकदम जो हादसा, जो कि बहुत दर्दनाक होना था, और बच्चा और सब बड़े सहम गए थे, बड़े दुख के साथ भरे थे। और आज जब सुबह ये रहा हादसा हुआ, उसके साथ ही हमारा जो पिंजौर में जो PSC सेंटर है, वहाँ पर सबको ले जाया गया। वहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से 6 सेक्टर में वहाँ पे ले जाया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और प्रशासन तभी तत्काल वहाँ पर पहुँचने का काम हुआ प्रशासन का। और मैं लगातार सबको सांत्वना देते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए कि ये इसे दुख की घड़ी में, जो कि बहुत ही दुख की घड़ी थी, और कईयों को चोट भी आई, और भगवान की दया से कोई इस तरह का सीरियस मामला नहीं हुआ। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने मंत्री असीम गोयल जी का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जिन्होंने एकदम सुनवाई की और तभी तत्काल से ड्राइवर को और कंडक्टर का एकदम सस्पेंड ऑर्डर निकाला, और एक हाई कमेटी जो बनाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये जो लापरवाही हुई है कि बच्चे जो है वो मिनी बस थी जो हमारी सरकार के द्वारा चलाई गई, और उसमें बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी, तो मैंने उनसे ये भी डिमांड की, उन्होंने ये बात मानी है कि इसी तरह की 2 बसें वहाँ से चलाई जाएंगी, जो बच्चों को असुविधाएं ना हो, और स्कूल तक बच्चों के लिए जो सेवा वो दी जाएगी। और मैं दोबारा पुनः अपनी देवी देवताओं का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज ऐसे समय में हमारा बहुत हौसला अफजाई हुई है। सभी जो पेरेंट्स हैं उनको ही मैं इस तरह का कह के कि उन्होंने इस समय में बहुत अपने आप को संभाल के रखा। धन्यवाद।